हाँ तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बोर्ड मास के थ्योरी को समझा था और समझा था कि इसमें कैसे कैसे रूल को फॉलो करना है। इस वीडियो में हम लोग उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि उसमें कैसे उसको सॉल्व करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है और किस तरीका से बिना कोई गलती किए उत्तर तक पहुंचना है। साथ ही एक चीज और आपको कहना चाहूंगा कि ये चैनल अभी मेरा नया है, व्यूज नहीं मिल पा रहे हैं, तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो कंटिन्यूअस चाहिए तो वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, पसंद कीजिए, क्योंकि इसी व्यू से मुझे पता चलेगा कि आपको इन वीडियो की जरूरत है और मैं इससे रिलेटेड वीडियो को लगातार जल्दी जल्दी दे पाऊंगा, क्योंकि अभी एनालिटिक्स के सहारा लेकर ही मैं देख रहा हूँ कि किस वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड वीडियो को पहले डाल रहा हूँ। तो अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम इस चैप्टर को पहले छोटे छोटे प्रॉब्लम से शुरू करेंगे, इजी प्रॉब्लम से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे हार्ड की तरफ जाएंगे। तो हमारा पहला जो सवाल है ये है, 4 × 3 है और प्लस में 12 है, बीच में एक ब्रैकेट है, ये सवाल है। तो बोर्ड मास के नियमों को देखें तो सबसे पहले हमारा एक नंबर पर ब्रैकेट का काम होता है और ब्रैकेट हमारा यहाँ, उसके बाद और क्या होता है, तो जब ब्रैकेट हमारा है तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए ब्रैकेट का एरिया हमारा ये है, ये लाइन में दे रहा हूं, आपको कॉपी पर लाइन देने की जरूरत नहीं है, इंडिकेशन के लिए दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं लाइन दिया तो आप भी कॉपी में लाइन दें, ऐसा नहीं है। तो इस चीज को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो रूल के अनुसार नीचे पहले हम इक्वल टू लिखेंगे और इक्वल टू लिखने के बाद इस ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट का काम है, तो जैसे ये ब्रैकेट है तो पहले हम यहाँ एक ब्रैकेट अपना दे लेते हैं और इसके अंदर ये गुना है, 4 × 3 गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12। ये हमारा सॉल्व हो गया, बाकी को ज्यों का त्यों हम नीचे उतार देंगे, बाकी को कुछ भी टच नहीं करना है, जिसको हमें सॉल्व करना बस उसे टच करना है। अब जब यहां से हम इस स्टेज पर आ गए, फर्स्ट से सेकंड पे आ गए, तो अब फर्स्ट को भूल जाना है, ये मान लीजिए कि हमारे पास ये है ही नहीं। अब इसके ऊपर अगर देखिएगा तो मिस्टेक होगा। अब हमारा क्या है, ये ब्रैकेट है, अगले स्टेज में ये इलिमिनेट होगा, ये ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर अब कोई प्रोसीजर बाकी नहीं है। अब हमारे पास रह गया ये ब्रैकेट का काम सॉल्व कर चुके हैं, ब्रैकेट है नहीं, ब्रैकेट हट जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा और बच गया हमारे पास 12 + 12, ये स्टेज एक स्टेज हुआ। अब देखिए बी के बाद ओ है, ऑफ इसमें कहीं नहीं है, छोड़ देंगे, डिवीजन कहीं नहीं है, मल्टीप्लीकेशन कहीं नहीं है, एडिशन, तो एडिशन है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 + 12 इक्वल टू हो गया 24, ये हमारा सॉल्व हो गया। इस तरीका से हम धीरे धीरे इजली इजली सॉल्व करेंगे इसको, कोई घबराने की बात नहीं, अगर आपको नहीं आता है तो धीरे धीरे चलेंगे, सीखते जाएंगे। स्टेज एक ही चीज याद रखना है, जैसे हमने इसको सॉल्व करके ये आए तो पहला भूल जाइए, यहाँ से सॉल्व करके यहाँ आए तो इसको भूल जाइए, यहाँ से सॉल्व करके यहाँ आए तो इसको भूल जाइए, ऊपर के स्टेज को ध्यान नहीं देना है, सिर्फ जो लास्ट लाइन रहेगा उसी को ध्यान देना है। तो अब अगले सवाल पर चलते, इससे थोड़ा सा टफ सवाल, ये हमारा दूसरा सवाल है। इसमें देखिए हमारे पास पहला ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट को छोड़ देंगे, ओ ऑफ भी नहीं है, छोड़ देंगे, डिवीजन, डिवीजन हमारा इस एरिया में है तो बाकी का एरिया सीओ का त्यो हम निकाल देंगे, तो ये हमारा हो गया 20 - अब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, तो यहां लग गया 3, सिंपल हो गया। अगले स्टेज में ये देखिए डिवीजन तक का काम हो गया हमारा, मल्टीप्लीकेशन नहीं है इसमें, एडिशन नहीं है इसमें, सबस्ट्रैक्शन है, 20 में से 3 गया 17, ये आपका आंसर हो गया, मात्र 2 लाइन में सवाल का सॉल्यूशन हमारा हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल पर चलते हैं, थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर पहुंचते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2 to the power 2, यानी 2 के ऊपर पावर जो है, पावर क्या चीज होता है ये भी जानना जरूरी है। पावर जो होता है, जैसे मान लिया 2 पे पावर 5 है,
इसको पावर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। ये बेस है, ये पावर है। तो 2^5 का मतलब हुआ 2 को 5 बार लिख के गुणा करना है। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पांच बार लिख के गुणा करना, तो ये कितना होगा, 2×5=10, ठीक है। ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं कि 2 को 5 बार लिखा तो 2×5=10, वो ऐसा नहीं होगा। 2×2=4 यहाँ है, 4×8, 8×2=16, 16×2=32, ये 32 आएगा, 2×5=10 नहीं आएगा। अगर यदि आपका 3^2 होता, इसका मतलब होता 3×3 यानी कि 9, समझ गए होंगे। तो इसे हम सोल्व करते हैं। सबसे पहला ब्रैकेट है, ब्रैकेट इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। सेकंड है ऑफ, ये पावर ऑफ में ही आता है, पावर जो है ऑफ लिखा भी रहेगा, ऑफ या पावर दिया रहेगा, दोनों उसी में आता है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 2^2 का मतलब हुआ 2^2=2, 2×2=4, इसका वैल्यू 4 है। इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ आपको 4 लिखना है। वो आपको अगर दिक्कत है तो रफ में कैलकुलेट कर लीजिए, लेकिन यहाँ सीधा 4 लिखना है। उसके बाद जो है ज्यों का त्यों उतारेंगे, कोई मिस्टेक नहीं करना, बाकी चीज को ज्यों का त्यों करना। अब हमारे पास 4+5 रहा, एडिशन का है, उसके पहले का कोई चीज नहीं है, 5×4=9, हमारा आंसर आ गया। अब एक बार सीधे एकदम हाई फाई पर चलते हैं, जिसमें सारे चीज का जरूरत पड़े। तो हमारा अगला सवाल ये है, सिंपल सा सवाल है, लेकिन कितना लंबा है, इतना लंबा देख के ही लोग घबरा जाते हैं, बच्चे अगबा जाते हैं कि एक तो इतना सारा लंबा है, उसके बाद ब्रैकेट भी सारे हैं, छोटी कोस्ट भी, मंझली कोस्ट भी, बड़ी कोस्ट भी, ऊपर बार कोस्ट भी है, उसके अलावा भागा गुणा जोड़ घटाओ सारा का सारा चीज है। तो इन सवालों को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से शांत होकर बनाइए, बन जाएगा। जैसा कि पहले हमारा बी है, ब्रैकेट का काम पहले करना है। ब्रैकेट हमारा सबसे पहले छोटी ब्रैकेट यहाँ है, मंझली ब्रैकेट यहाँ से यहाँ है, और बड़ी ब्रैकेट यहाँ से यहाँ। लेकिन सबसे बड़ा बदमाश जो है हमारा बार कोस्ट यहाँ बैठा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस बार कोस्ट को ही सॉल्व करेंगे, इस एरिया को सॉल्व करेंगे। तो बाकी ज्यों का त्यों हम पहले उतार देंगे। तो इक्वल टू लिखते हैं, 12+(+)-4 (-)16 / 16 ये देखिए, इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास क्या है, 5-3 बार कोस्ट के अंदर 5-3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 2। तो यहाँ हमने 2 लिख दिया, हमारा वो सॉल्यूशन हो गया। बड़ी छोटी कोस्ट बंद, मझली कोस्ट बंद, ये बड़ी कोस्ट बंद, ये हमारा एक स्टेज हो गया, क्लियर है। अब अगले स्टेज में हमें छोटी कोस्ट का काम करना, छोटी कोस्ट यहाँ से यहाँ है, बाकी जो का तो उतार देते हैं, 12+(+)-4 छोटी कोस्ट का काम करेंगे तो 2 से 16 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8, और छोटी कोस्ट के अंदर था, अंदर रखे। अगले स्टेज में छोटी कोस्ट को हटा देंगे, बाकी जो है ज्यों का त्यों रखते हैं, 6+4-, ये छोटी कोस्ट हट गया, 8 आ जाएगा। अब हमारे पास छोटी कोस्ट खत्म हो गई, मंझली कोस्ट यहां से यहां तक है, और मंझली कोस्ट में हमारा प्लस का भी साइन है और माइनस का भी साइन है, और प्लस और माइनस में देखिए, प्लस यानी एडिशन पहले होता है, सब्सट्रैक्शन बाद में होता है, यानी एडिशन का हिस्सा हम लोग ये पहले करेंगे और उसके बाद बाकी का हिस्सा बाद में करेंगे। तो एडिशन करते वक्त एक चीज और देखा जाता है कि सेम साइन वाले को जोड़ा जाता है और अपोजिट साइन वाले को घटाया जाता है। तो देखिए ये 4 जो है हमारा, 4 के प्लस पहले प्लस है तो ये पॉजिटिव है, और ये 6 है इसके पहले कुछ नहीं है तो ये भी पॉजिटिव है। तो ये दोनों हमारा जुड़ेगा, और जुड़ के कितना हो जाएगा, 6 और 4 हो जाएगा, ये हमारा अगले स्टेज में 10,
और उसके बगल में माइनस है, माइनस रहेगा और ये 8 जो बचा हुआ था जो रहेगा। इसके किनारे किनारे ब्रैकेट था, ब्रैकेट दे दिए। यहाँ बड़ी कोष्ट है, यहाँ 7 के पहले बड़ी कोष्ट है, प्लस करके 12 पहले है। ये हमारा आगे अगला स्टेज आ गया। अब ये ऊपर वाले का काम खत्म हो गया, हमारा सिर्फ इस चीज की जरूरत है। इसे हम उठा के यहां ले आएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मंझली कोष्ट का सॉल्यूशन है ये वाला, बाकी कुछ भी सॉल्व करना नहीं है। तो ये क्या है हमारे पास, 10 और 8 है, 10 में से 8 जाएगा, ये 2 होगा। और ये मंझली कोष्ट है, इसके अंदर मात्र 2 बचेगा, उसके पहले जो भी चीजें हैं हमारा ज्यों का त्यों रहेगी। इस तरीका से हमारा सॉल्यूशन होगा कि अंदर का हो गया। अगले स्टेज में ये मंझली कोष्ट हम हटा देंगे, तो ये हटेगा तो हमारे पास ये हो जाएगा। तो आप अगले स्टेज में भी हटा सकते हैं या यहीं पर भी हटा सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन हो गया, उसके अंदर कुछ नहीं है, तो हम इसी में हटा सकते हैं। अब हमारे पास बड़ी कोष्ट हो गई। बड़ी कोष्ट के अंदर क्या है, 7 + 2, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 9। बड़ी कोष्ट के अंदर हमारे पास बच गया 9, उसके पहले प्लस और 12 है। तो इस स्टेज में भी इसको कोष्ट हटा सकते हैं, या अगले स्टेज में हटाते हैं तो ऐसे लिखना होगा। अब हमारे पास सिर्फ जोड़ बचा है, 12 और 9, 21 ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीका से कितनी आसानी से हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। अब हम अगले स्टेज पर चलते, इससे थोड़ा सा टफ पे, जिसमें कि आपको फ्रैक्शन वगैरह सारे चीजें शामिल होगी। इसको देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, देख के ही डर लगने लगता है, धड़कन बढ़ जाती है कि ये क्या आ गया। बड़ी कोष्ट भी, मझली कोष्ट भी, छोटी कोष्ट भी, भागा भी हो फिर भी सारी चीजें है, कैसे सॉल्व होगा। अगर नए नए है तो देख के ही क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा, ये बनेगा ही नहीं ऐसा लगेगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही आराम से बनेगा, बहुत इजीली बनेगा, देख के घबराना नहीं। कितना भी लंबा रहे, 4.5 किलोमीटर का है, नहीं चला जाए, बस ये विश्वास रखना कि बनेगा और सही बनेगा। और देखिए कैसे बनता है। जब भी इस तरीका का सवाल आए, सबसे पहला काम करना है बोर्ड मास लगाने के पहले, जितना जो ये पूर्णांक वाली चीजें हैं उसको पहले तोड़ लेना है। अब पूर्णांक तोड़ने आता है कि नहीं आता, ये भी एक सवाल है, क्योंकि अगर आप बोर्ड मास पढ़ रहे हैं तो ये बेसिक चीजों में आती है, और बेसिक चीजें पे पूर्णांक तोड़ना भी आता है। तो पूर्णांक कैसे तोड़े जाते हैं, जैसे कि आपका है 3 × 4/5, ये पूर्ण अंक है, होल नंबर, और ये फ्रैक्शन। तो तरीका ये है कि इन दोनों को गुना किया जाता है, यानी 3 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 15। ये दोनों को गुना किया और जो आया उसको ऊपर वाले में जोड़ देते हैं। ऊपर कितना है, 4, तो 15 में 4 जोड़ेंगे तो हो गया 19। समझ गए होंगे, बस इतना ही प्रोसेस है। सबसे नीचे वालों को ही पूर्णांक के साथ गुणा करना है, तो 5 था नीचे, ऊपर था 3, दोनों को गुणा किए 15, और जो ऊपर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर, ठीक है, ये याद रखना है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर। तो नीचे वाले यानी हर को, हर नीचे चलता है ना देहात में, हर को जमीन में चलाते हैं, तो ये हर को जो है इसके साथ गुना करना है। तो 5 × 3 = 15 हो गया, ऊपर वाला जोड़ देना तो आ गया 19, यानी बराबर करके 19 पहले लिखना है और हर जो नीचे लटका हुआ है उसको नीचे लटका देंगे। तो जोता भी जाता है तो हर नीचे ही रहता है, वो ऊपर नहीं आता है, इसलिए वो नीचे लटका रहेगा। तो इस तरीका से पूर्णांक को तोड़ते हैं। तब हम पूर्णांक को तोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वल टू लिखेंगे, बड़ी ब्रैकेट का चिन्ह है, बड़ी ब्रैकेट डालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये होगा 4 × 12 = 13, और नीचे जो हर है वो हर को नीचे लटका था, नीचे लटका रहेंगे, हर को नीचे ही रखना है, उसको हमेशा लटके रहने देना, छोड़ना नहीं है। डिवीजन का साइन है, डिवीजन का साइन दे दिए, मंझली ब्रैकेट है,
मध्य ब्रैकेट दे दिए, बाकी को कुछ नहीं करना, केवल हम पूर्णांक को तोड़ते हैं। चार के लिए चार और ऊपर का एक पांच, पांच बटा चार माइनस एक बटा दो छोटी ब्रैकेट, ये पूर्णांक तोड़ेंगे, दो दूनी चार और एक पांच बटा दो माइनस एक बटा चार माइनस एक बटा छ, इसके ऊपर वार कोष्ठ, मंजरी कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, डिवीजन, छोटी कोष्ठ ऑफ चार या बारह तेरह बटा तीन। हमने पूरा का पूरा जितने पूर्णांक थे सबको सॉल्व कर दिया। अब आते हैं बोर्ड मास पे। सबसे पहला ब्रैकेट, ब्रैकेट इसमें भरे पड़े हैं, तोल तोल के डाले गए हैं, दो किलो तीन किलो, मोदी जी जो तोल के लेते हैं दो किलो तीन किलो वही सारे डाले हुए हैं। तो ये जो है सबसे पहले हम छोटी कोष्ठ का काम करते हैं। ब्रैकेट में बताया था कि सबसे पहले छोटी कोष्ठ को सॉल्व किया जाता है, लेकिन उससे पहले बार कोष्ठ हमारा जो है सबसे पहले बार कोष्ठ का सॉल्यूशन होगा। बार कोष्ठ हमारा एक ही जगह पे है, बाकी कहीं नहीं है। पहले हम बार कोष्ठ वाले एरिया को सॉल्व करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो बार कोष्ठ देखिए हमारे इतने एरिए में है, बार जो है इसे इस माइनस को कंफ्यूज मत होइएगा, ये माइनस जो है हमेशा बार कोष्ठ के बाहर है, जो भी साइन रहेगा जितना पे बार है बस उतना को सॉल्व करना है। तो इसको अगर हम सेपरेट कर ले, अगर सेपरेट करके लिखे इस एरिया को, तो क्या होगा, ये हमारे पास है एक बटा चार और माइनस एक बटा छ, इसके पहले माइनस जो है कोष्ठ के बाहर है। इसमें कंफ्यूजन बहुत लोग करते हैं और मिस्टेक करते हैं, माइनस भी यहां लिख देते हैं। जब भी माइनस आप यहां लिख दीजिएगा तो पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा, पूरा आंसर अलग आ जाएगा, बिल्कुल अलग। यानी आपको पटना जाना है रांची पहुंच जाइएगा, रांची जाना है पटना पहुंच जाइएगा, तो उसको नहीं लिखना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको फ्रैक्शन का सॉल्यूशन नहीं जानते हैं तो मेरा फ्रैक्शन वाला चैप्टर पर जो वीडियो है उसे देख लीजिएगा, क्योंकि फ्रैक्शन चैप्टर खुद में ही एक बड़ा चैप्टर है, उस पर जो वीडियो मिला है उसे आप देख लीजिएगा। तब तक इसको मैं थोड़ा सा यहाँ समझाता हूँ। इसमें सबसे पहले एलसीएम लेते हैं नीचे हर का, ये छह और चार का एलसीएम है बारह, और इसको सॉल्यूशन करने के बाद इससे डिवाइड करते हैं इसको, तो चार से बारह को डिवाइड करेंगे तीन आएगा, तीन को ऊपर से गुणा करेंगे तीन कहेंगे तीन आएगा, माइनस का चिन्ह है माइनस लिख दिया, फिर छह से इससे डिवाइड किया दो बार में आएगा, दो के ऊपर से गुणा करेंगे तो दो आया, यानी ये सॉल्व होके आ गया हमारा एक बटा बारह। ये मैंने सेपरेट सॉल्व करके आपको केवल दिखाया है ताकि आपको आसानी रहे, ये हमारा सॉल्व होके इस एरिया का आया। तो बाकी एरिया को जो का त्यो हमको लिख देना है, ये हमारा बड़ी कोष्ठ है, बड़ी कोष्ठ लिख दिया, तेरह बटा चार लिख दिया, डिवीजन लिख दिया, मंझली कोष्ठ लिख दिया, पांच बटा चार लिख दिया, माइनस एक बटा दो लिख दिया, छोटी कोष्ठ था पांच बटा दो लिख दिया, माइनस लिख दिया। यहां तक हमारा सॉल्यूशन हमने इस पार्ट का किया है। आंसर कितना आया था, एक बटा बारह, हमने यहाँ एक बटा बारह लिख दिया। उसके बाद छोटी कोष्ठ बंद है, उसके बाद मंझली कोष्ठ बंद है, उसके बाद बड़ी कोष्ठ बंद है, उसके बाद डिवीजन है, उसके बाद छोटी कोष्ठ है, एक बटा दो है ऑफ है, तेरह बटा तीन है ब्रैकेट बंद है। ये एक बटा बारह का काम हो गया, इसको हटा देते हैं, उसको हमने यहाँ लिख दिया। तो देखिए इस चीज से ट्रांसफॉर्म होकर हमारा यहाँ तक आ गया है। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे ऊपर की चीजों को भूलते जाएंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अभी हमारा ब्रैकेट का काम नहीं हुआ, ब्रैकेट में चार ब्रैकेट है, बार कोष, छोटी कोष, मंझली कोष, बड़ी कोष, हमने सिर्फ बार को इसमें से बाहर किया है, बाकी भी अंदर नहीं है। तो बार कोष के बाद होता है काम छोटी कोष का। छोटी कोष हमारे पास देखिए दो जगह है, पहला यहाँ है दूसरा यहाँ है, जितने जगह हो सबको एक साथ सॉल्व कर देना है। तो अगर इस एरिया को अगर सॉल्यूशन करते हैं, इसको मार्किंग करके दिखा देता हूं, ये एरिया है, इस एरिया को अगर हम सॉल्व करते हैं
भिन्न का जोड़ जैसे होता है वैसे होगा। नीचे जो है ये ब्रैकेट के अंदर है, नीचे हमारा एलसीएम आएगा, ये ब्रैकेट बंद है। 12 और 2 का एलसीएम 12 होता है, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 बचे 30 आएगा, और ये माइनस आएगा, हम 12 कहेंगे 12 1, बाकी जैसे है। इधर 1/2 है, उसके पहले 5/4 है, मंजिली कोष्ट है भागा है, 13/4 है बड़ी कोष्ट है, इक्वल टू देखे स्टेप ये है, ये डिवीजन है, डिवीजन लिख देंगे 1/2 ऑफ 13/3 है, तो ऑफ का मतलब होता है गुना, गुना का साइन देके इसको हम सॉल्व कर देंगे। अभी हमारा सिर्फ टूटा है, सॉल्व नहीं हुआ है, अभी ब्रैकेट हमारा खत्म नहीं हुआ है, दोनों ब्रैकेट हमारा बचा हुआ है, बोर्ड हमारा खत्म हो गया है, तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले आते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, पहले का जो क्या त्यो हम उतार देंगे, 13/4 भागा 5/4 माइनस 1/2, और देखिए ये ब्रैकेट के अंदर 30 में से एक गया 29/12, ब्रैकेट बंद के भागा ये हो गया आपका 13/3 × 6, ऊपर 13 एक कूड़ा किए 13 और नीचे 3 × 6 ब्रैकेट के अंदर। अब इसके आगे स्टेज में ये छोटी कोष्ट को सबको हटा देंगे, तो जल्दी से इसको लिख लेते हैं 1/2 और ये 29/12। देखिए यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, 1/2 हमारा था 1/2 दिखे और ये 29/2 का ब्रैकेट हटाए तो 29/2 दिखे, इनके बीच कोई साइन नहीं है, इस प्रकार जब भी ब्रैकेट हटेगा तो बीच में गुना का साइन आएगा, ये यहाँ कुछ नहीं है तो गुना, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। इधर आपका भागा हो गया 13/6। अब अगले स्टेज में हम इस छोटी कोष्ट का काम करेंगे, और छोटी कोष्ट के अंदर भी दो साइंस है, दो साइन है, तो इस फिर इसके अंदर बोर्ड मास लगेगा, तो ये एक माइनस साइन है और एक मल्टीपल साइन है, माइनस ये है और मल्टीपल ये है, तो मल्टीपल का पहले होगा, तो पहले हम ये वाला क्रिया पहले करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 13/4 भागा 5/4 माइनस, ये गुना करेंगे तो 29 और एक को गुना करेंगे तो 29 और नीचे 12 × 24 ब्रैकेट बंद और भागा 13/6। फिर हम यहां तक आ गए, अब इसको उठा के फिर से ऊपर लाते हैं, अब इस मंझली कोष्ट के एरिया को सॉल्व करेंगे, बाकी जो कहते हो लिख देते हैं, भागा मंझली कोष्ट यहां से लेके यहां तक है, इतने दूर का एलसीएम हमें लेंगे तो 24 आएगा, 4 और 24 का एलसीएम 24 आएगा। एलसीएम अगर नहीं आपको जानते हैं लेना तो एलसीएम पर भी मेरा चैप्टर आपको मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे 4 से 24 को तो 6 आएगा, 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 6 बचे 30 आएगा, माइनस है 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 29 से गुणा करेंगे तो 29 आएगा, और ये ब्रैकेट बड़ी कोष्ट है, भागा है 13/6 है। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व हो जाएगा, ये आ गया 13/4 पहले से और भागा मंझली कोष्ट के अंदर हो गया 1/24 और ये बड़ी कोष्ट और भागा 13/6। इसके अगले स्टेज में हम ये ब्रैकेट को हटा देंगे, लेकिन अगर आप सही से समझ रहे हैं तो इसी स्टेज में भी इस ब्रैकेट को हटा सकते हैं, अगले स्टेज में उसके लिए जो मिस्टेक करते हैं यहां से सीधे आप हटा सकते हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ एक कोष्ट बच गया है बॉडी कोष्ट का, जिसके अंदर हमको सॉल्व करना है, हमारे पास बड़ा ब्रैकेट का काम करना है, बड़ा ब्रैकेट के अंदर का काम करना, बाकी चीजें जो फालतू है उसे अनटच रखना, कुछ टच नहीं करना है। ये फ्रैक्शन का डिवीजन है, फ्रैक्शन के डिवीजन के सॉल्व करने का प्रोसेस ये है कि इस डिवीजन को पहले मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं,
और जब मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं तो उस साइन के बाद वाला जो भी एलिमेंट है वो पलट जाता है, यानी सिर नीचे पैर ऊपर। ये 13/4 हो गया और ये मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये 24 ऊपर और 1 नीचे। ये है कन्वर्जन का नियम फ्रैक्शन में। अब ये जो वैसे आ गया तो इसको 4 से 24 डिवाइड हो गया 6 बार में। अब इसको नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को हम साफ करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू आया, बड़ी कोष्ट के अंदर जो है यही इतना है, तो सॉल्व करके सीधा कोष्ट हटा के लिख देते हैं। तो 13 को 6 से गुणा करेंगे, बाकी तो कट गया है, 13 × 6 और इसके बाद है भागा 13/6, एकदम ये लाइन में आ गया। इसे भी मिटा देते हैं। अब हमें फिर से बोर्ड मास पे आएंगे तो हमें डिवीजन पहले करना है। डिवीजन का एरिया जो है ये है, फिर फ्रैक्शन में है तो वही रूल अप्लाएंगे, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे और उसको रटेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 13 × 6 और गुना 6 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा, 13 और 13 कैंसिल हो गया, हमारा 6 बच गया, 6 × 6 = 36, ये आंसर हो गया। कितना सिंपल आ गया, बहुत ही आसानी से बना, लेकिन दिमाग को नियंत्रित रखना है, अटवकाना नहीं है कि गलती हो जाएगा, गलती भी हो जाएगा सोचेगा तो गलती हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, टच में रहिए, किसी तरीका का किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में दीजिए, आपको उस टॉपिक पे वीडियो मिलेगा और अच्छा वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।